सादा नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। आजकल हमारे उत्तराखंड में नंदा सुनंदा की धूम मची हुई है। नंदा सुनंदा का त्यौहार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और पंचमी से यह त्यौहार शुरू हो जाता है। और कुमाऊं में यह त्यौहार केले के पेड़ को निमंत्रण दिया जाता है और फिर उसको काट के लाते हैं और रात में उसकी पूजा करते हैं। और बाजे गाजे के साथ जिस तरह से शादी होती है, उसी तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव जी से हुआ था तो उनका मन हिमालय में नहीं लगता था, वो एक बार मैके आई तो फिर उसके बाद उनका ससुराल जाने का मन नहीं हुआ। इसलिए सारे उत्तराखंड के जितने भी निवासी हैं नंदा सुनंदा को अपने बेटी के समान मानते हैं और उनके ससुराल जाने की तैयारी करते हैं और बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता है। केले के पेड़ के पीछे भी एक कथा है, दंत कथा। और गढ़वाल में चीड़ के पेड़ को काट करके लाते हैं, उसमें भी एक कथा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी कि नंदा देवी के बारे में। नंदा देवी जो है शक्ति के रूप में, नंदा देवी ही सारे हिमालय में पूजी जाती है। नंदा देवी का मूल धाम चमोली गुरुड़ गांव में है। बाद में कई जगहों पर इसके मंदिर बनाए गए। नंदा देवी गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। नंदा देवी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। नंदा देवी बनने से पहले वे एक राजा की राजकुमारियां थी, तो राजकुमारियां थी और एक दुष्ट अफगान राजकुमार ने उनका पीछा किया, जिससे देवी पर्वत बन गई और पर्वतराज हिमालय ने उनको अपनी पुत्री मान लिया। उन्हें पार्वती कहा जाने लगा। 15वीं शताब्दी कुमाऊं की उत्पत्ति चंद शासकों के अतीत स्वर्ण काल का मुख्य दर्शक रहा है। साल 1563 तक चंपावत चंद राजाओं की राजधानी रही। इसके बाद चंद राजाओं की राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित हो गई। दरअसल 1670 में के आसपास कुमाऊं के चंद वंशी शासक राजा बाज बहादुर चंद का शासक था। राजा ने तब गढ़वाल के बधानगढ़ जूनागढ़ किले पर आक्रमण किया और जूनागढ़ पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की और वहां से नंदा देवी की प्रतिमा को अपने साथ ले आए और वहाँ से उन्होंने रात का विश्राम जो है गरुड़ में किया। गरुड़ में सैनिक और राजा और राजपुरोहित सभी ने विश्राम किया। दूसरे दिन राजा ने राजपुरोहित को लेकर के डोली के पास पूजा करने के लिए गए तो मूर्ति के दो भागों में वो बढ़ चुकी थी। तो विचार विमर्श किया, उसके बाद ये तय किया गया कि एक हिस्से को यहीं बैजनाथ यानी कि कोट की माई गरुड़ डंगोली और बैजनाथ के बीच में है। गरुड़ प्रसिद्ध मंदिर है तो वहाँ पर स्थापित कर दिया और दूसरे हिस्से को लेकर राजा अल्मोड़ा आ गया और उन्होंने उसको अपनी कुलदेवी के साथ स्थापित कर दिया, जिसको पहले उन्होंने ऊपर जहाँ पर आजकल पहले पुराना कचहरी था वहाँ स्थापित किया। और जब अंग्रेज गोरखा टाइम आया तो उन्होंने वहाँ से नंदा देवी के मंदिर को वो कर दिया, वहाँ पर सिविल ऑफिस बना दिया। और ये फिर बाद में नंदा देवी का मंदिर नीचे चौघान पाटा वहाँ पर बनाया गया है और चंद वंश के राजा लोग आते हैं, पूजा करते हैं और केले के पेड़ से माँ की प्रतिमा बनाई जाती है, रात को पूजा की जाती है।
और फिर माँ का डोला सारे बाजार में घुमाया जाता है, झांकियाँ निकलती हैं, और उसके बाद उसका विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार से अल्मोड़े में मनाया जाता है और चौखुटिया में भी मनाते हैं। ये नदी के पार से सब लोग केले के वृक्षों को लाते हैं, सब मिल करके वहाँ भी मनाते हैं, झांकी निकालते हैं, माँ की मूर्ति भी बनाते हैं। और गढ़वाल में कुछ अलग ही ढंग का है, उसमें मंगल गीत, मतलब ये जो त्यौहार है बिल्कुल इस तरह से मनाते हैं जैसे कि कोई शादी हो रही होगी। माँ नंदा देवी वहाँ बहुत भयंकर, जो पेड़ सबसे सीधा होगा, सबसे ऊंचा होगा, सबसे अच्छा होगा, तो उसको निमंत्रण देते हैं। ऐसे देवताओं का अवतार आ करके अक्षत डालते हैं और फिर उस पेड़ को काट करके पूरे गांव वाले इतने भयंकर पेड़ को रस्सियों के द्वारा गांव में लाते हैं। और जहां पर माँ की पूजा होती है वहां पर बहुत गहरा गड्ढा बनाया जाता है और पूरे डलिया भर भर के माँ लोग फल फूल सभी चीज़ लाते हैं। माँ का कपड़ा लाते हैं, माँ का श्रृंगार, सोना चांदी सब उसमें उस पेड़ में बांधते हैं। और फिर उसके बाद पूरे गांव वाले रस्सी बर्रे से उस पेड़ को खड़ा करते हैं। और फिर देवी का अवतार होता है, जिसके बदन में देवी आती है तो उस पेड़ में चढ़ता है और सबको प्रसादी के रूप में वो फलों का वितरण करते हैं। इस तरह से नंदा देवी का त्यौहार मनाया जाता है। नंदा सुनंदा और राधाष्टमी भी उसी दिन है। नंदाष्टमी के दिन राधा, प्लेन्स में राधाष्टमी के नाम से मनाते हैं, हमारे उत्तराखंड में नंदा सुंदर नंदा अष्टमी के नाम से मनाते हैं। अभी ये पिथौरागढ़ और नेपाल की तरह उससे पहले उसी ढंग से वो मनाया गया था, गौरा महेश त्यौहार मनाया गया था। और अभी मैं भूल गई, गौरा महेश का सातों आठों का त्यौहार मनाया गया था बिल्कुल उसी ढंग से, पंचमी के दिन से। इसमें भी गेहूं को भिगोया जाता है और हल्दी इत्यादि उसी का प्रसाद वितरण किया जाता है उसको अंकुरित होने तक। और उसी तरह उसमें भी वो करते हैं, उसमें भी यही कहते हैं कि जब पार्वती नाराज़ होके मैके आते हैं तो दूसरे दिन शिव जी उनको बुलाने के लिए आते हैं। और तो जीजा और दीदी को मनाने का ये त्यौहार रह करके महेश गौरा ये पहले ही मना चुके हैं। और इसके बाद ये नंदा अष्टमी की धूम मची हुई है। मैं अल्मोड़े की झांकी और कुछ चौकोटिया की और कुछ गढ़वाल की झांकियाँ आप लोगों को भेजूंगी। आप लोग बने रहे मेरे वीडियो के साथ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इसको विराम देती हूँ। इसमें कई दंत कथाएं हैं, केले के पेड़ के साथ भी बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं और गढ़वाल में भी बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि जब माँ नंदा सुनंदा केले के पेड़ के में छिपी थी सुरक्षा के लिए, तो बकरी ने आके पत्तियाँ का खा ली और भैंसे ने उनको देख लिया। तो भैंसे की बलि और बकरी की बलि चढ़ाते थे, पहले पहले बलि चढ़ाते थे, 64 बलियाँ चढ़ाते थे, देरवाड़ा बोलते हैं गढ़वाल में, तो वहाँ पर ये 64 बलियाँ दी जाती थी माँ के पूजन में। लेकिन अब ये बलि प्रथा बंद हो चुकी है। और वहाँ गढ़वाली गढ़वाल में बोलते हैं कि जब माँ हिमालय वो कैलाश में थी तो उनके चौमास में चतुर्मास में उनके मायके में गाय बच्चियां लेकर उनके मायके वाले जंगल में जाते हैं, जंगल में गाय बच्चों को चुगाने के लिए जाते हैं खेती का काम करने के बाद। तो एक दिन पार्वती आई अपने मायके वालों के छप्पर में, तो उनके मायके वाले घर जा चुके थे, उन्होंने भैंस का कटड़ा वहाँ पर छोड़ रखा था, भैंस ब्याई होगी ये तो कटड़ा था, तो उसको छोड़ गए। माँ को बुरा लगा, उसने कहा अरे मेरे मायके वालों का है ये भैंस का कटड़ा, तो वो लाई उसको, उसने पाला, उसको बड़ा किया, लेकिन वो भैंस का कटड़ा उनके पीछे पड़ गया। पीछे पड़ते पड़ते तब माँ इन जगहों में छिपी छिपी, तो कोई कहता कि चीड़ के पेड़ के वहाँ छिपी, कोई कहता है पहाड़ बन गई, कोई कहता केले के पेड़ के उसमें छिपी, ऐसी दंत कथाएँ हैं।
तो उसके बाद माँ की पूजा के दिन भैंसे और बकरे की बलि दी जाती थी पहले बहुत, लेकिन अब ये प्रथा बंद हो चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम दे रही हूँ। इसमें जो भी त्रुटि होगी, जो भी गलती होगी, या जो भी अल्प ज्ञान है सुनी हुई है हमने भी, तो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ इस तरह की, और यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद, बने रहे मेरे साथ। अब मैं अल्मोड़ा और गिवाण और नैनीताल और गढ़वाल की झांकियाँ कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी, कुछ मैंने डाल भी रखी हैं, आप देखिएगा मेरे @ कौशल्या ब्लॉग करके आप देख सकते हैं, @ कौशल्या ब्लॉग।